दोस्तों, ब्लड यानी खून के मुतालिक तो आप जानते ही होंगे। हमें चोटें लगती रहती है तो उसमें खून भी निकलता रहता है। तो ब्लड क्या होता है ये हमें, और उसका काम क्या होता है ये हमें उस वक्त बेहतर तरीके से पता लग सकता है जब हम उसके कॉम्पोनेंट्स यानी जिन अज्जा से वो मिलके बना है उनके मुतालिक सही तौर पर जान से पाए उनके मुतालिक सही तौर पर जान पाए। तो आज हम ब्लड की कॉम्पोजिशन, उसके अज्जा के मुतालिक कुछ देखेंगे, कुछ जानेंगे। यानी ब्लड देखने में तो लाल नजर आता है, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको उसके अंदर फर्दर आपको उसके अंदर सेल्स नजर आएंगे और मुख्तलिफ मादे सब्सटेंसेस नजर आएंगे। तो लेकिन अब ये कैसे मालूम किया जाए कि ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कितने हैं, कितने परसेंट है, कितने फीसद है, और इस तरह प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो इसका तरीका ये है कि जब आप अस्पताल जाते हैं और वो आपका सैंपल लेते हैं ब्लड का, तो लेबोरेटरी में उसको बहुत तेज रफ्तारी से घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के जरिए तेज रफ्तारी से घुमाया जाता है। इस घुमाने के नतीजे में जो ब्लड के अंदर ज्यादा डेंस मादे होते हैं, जो ब्लड के अंदर ज्यादा डेंस सेल्स होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, वो सबसे नीचे जमा हो जाते हैं आपके पास। और इसके अलावा जो आपके पास उससे कम डेंस होते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, वो उससे ऊपर उनकी एक लेयर बन जाती है। और जो सबसे ज्यादा होता है आपके पास प्लाज्मा ब्लड के अंदर, तो वो सबसे कम डेंस होता है, तो वो सबसे ऊपर इकट्ठा हो जाता है। डेंसिटी की मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जब पानी के ऊपर आप देखते हैं कि लकड़ी या कोई पत्ता फ्लोट कर रहा होता है, तो उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। कम डेंसिटी वाली चीजें ऊपर रहती हैं और ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें, मसलन आप पानी में सिक्का डालें, लोहे की कोई चीज डालें, तो वो नीचे बैठ जाएगी पानी के, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसी तरह रेड ब्लड सेल ज्यादा डेंसिटी की वजह से नीचे, उससे ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और उससे ऊपर प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के मुतालिक अगर हमने कुछ देखना है तो आसान अल्फाज में ये है कि अगर आप जो व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स हैं इन सबको जमा कर लें, इन सबको जमा कर लें, और जो ब्लड है यानी खून उसमें से निकाल दें, तो ब्लड माइनस व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स प्लस रेड ब्लड सेल्स, इन सबको जब ब्लड में से निकालेंगे तो आपके पास आएगा जो बच जाएगा, जो सब्सटेंस, जो मादा, वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर सिर्फ रेड ब्लड सेल्स वगैरह ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर और मादे भी होते हैं, जैसे सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, वाटर, और इसके अलावा जो वेस्ट होते हैं, जैसे सेल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेल में से, तो वो जो जायद मादा, वेस्ट मादा होता है, वो सेल से बाहर निकल के प्लाज्मा में शामिल हो जाता है, और वहां से वो जाता है किडनीज वगैरह में, जहां पर उसने ट्रीट होना होता है वो वेस्ट में हमारे जिस्म से। अगर उसमें कोई फायदेमंद चीज है जो काम आ सकती है हमारे जिस्म की, तो वो हमारे ब्लड वगैरह में अब्जॉर्ब हो जाएगी और जो जायद चीजें हैं वो निकल जाएंगी। तो वेस्ट भी प्लाज्मा में शामिल होकर किडनीज वगैरह तक जाते हैं ताकि उनका उनकी ट्रीटमेंट हो सके। तो इसके अंदर सॉल्ट्स, वाटर, प्रोटीन्स वेस्ट हो गए। और अब देख लेते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आखिर क्या है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपके पास तकरीबन तकरीबन 45% जो आपके पास RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो आपके पास तकरीबन 45% होते हैं ब्लड के अंदर आपके, ठीक है। जैसे सैंपल एक लिया और सैंपल के अंदर जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स है वो तकरीबन थे 45%। और इनका एक और नाम भी होता है, इनका एक और नाम भी होता है, वो होता है रिट्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स, इनका एक और नाम रिट्रोसाइट्स भी होता है, और ये तकरीबन 45% आपके ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा आप देख लेते हैं कि इनकी शेप कैसी होती है। तो देयर शेप इज डिस्क लाइक, डिस्क होती है जिस तरह, उस तरह की इनकी शेप होती है, और बायकनकेव। बायकनकेव क्या मतलब है?
जिस तरह कंकेव लेंस होता है, कंकेव लेंस होता है जिस तरह आपके पास, तो कंकेव लेंस जो होता है उसके अंदर अंदरूनी जानेब, अंदरूनी सतह में जिस तरह लेंस है कर्व होता है, अंदर की तरफ गई मुड़ी होती है ये सतह, तो ये जो कर्व होता है इसके अंदर ये इसे मिलाता है कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्केव लेंस। ये भी कॉन्केव साइड है और ये भी कॉन्केव साइड है। तो आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल भी दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, ये साइड व्यू है इसका, कंकेव है, अंदर की तरफ कर्व है इसका। तो ये तो हो गई इसकी शेप। इसके अलावा जब ये ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों में से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि नालियां तंग सी होती हैं, तो ये अपनी शक्ल बदल लेते हैं उन नालियों के हिसाब से भी, और घंटी की शक्ल जिस तरह होती है थोड़ी लंबूतरी सी, वैसे बना के उसमें से गुजर जाते हैं। तो इसके अलावा इनका जो लाइफ स्पैन है, देयर लाइफ स्पैन यानी जो उनकी उम्र है, जितने अरसे तक वो जिंदा रह सकते हैं, इज अप टू 120 days। ये 120 दिन तक आपके पास जिंदा रह सकते हैं। अब इनके अंदर एक कॉम्पोजिशन जो इनकी फर्दर है, तो इनमें प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इस प्रेजेंट इन साइड है। ये हीमोग्लोबिन जो होती है ये बहुत ही एक अहम जुज है रेड ब्लड सेल का, और ये आपके पास आगे फंक्शन देखेंगे तो जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो यही वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेती है, और इसी की वजह से वो जुड़े रहते हैं रेड ब्लड सेल की इस प्रोटीन से, और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उनकी आमदोरफ्त हो सकती है। तो ये तो हो गई है प्रोटीन। जो सबसे अहम और सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे हैव नो न्यूक्लियस, उनका कोई न्यूक्लियस नहीं होता, एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया, और कोई माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें नहीं होता। दे हैव नो न्यूक्लियस एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी वजह भी बड़ी हैरत अंगेज है, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को कैरी करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो उनको अपने अंदर जगह भी उनके लिए ज्यादा चाहिए होती है, तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए न्यूक्लियस इनमें नहीं होता, जिसकी वजह से जगह बढ़ जाती है और ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर होता तो जो ऑक्सीजन ये कैरी कर रहे होते तो वो सेलुलर रेस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम आ जाती, और वो दूसरी जगह जहां पे जानी होती वहां जाने से पहले ही खर्च हो जाती और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती, जो मेरी सेलुलर रेस्पायरेशन की वीडियो है उस पर आप फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस वजह से नहीं होता इनमें, और इन दोनों वजूहात, इन दोनों चीजों के ना होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है, और फिर अल्टीमेटली हम इंसानों को फायदा होता है। तो अब ये दे हैव नो न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अब इनके फंक्शन देख लेते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम O2 भी कहते हैं, और एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम CO2 से भी डिनोट करते हैं। तो ऑक्सीजन हम जब सांस अंदर लेते हैं तो सांस के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, और वहां से ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है, और जो लंग से लेके जाते हैं जो सेल्स वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इस तरह जिस्म से वापस जो जो हमारी सेलुलर रेस्पायरेशन और वेस्ट के और जो सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो रेड ब्लड सेल वापस लेके जाते हैं फिर हमारे लंग्स की तरफ, और वहां से लंग्स से जो हम सांस बाहर निकालते हैं जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जायद मादा है, तो वो हमारे जिस्म से निकल जाता है। तो एक और जो अहम बात है वो ये है कि जिस रेड ब्लड सेल्स नाम से ही जाहिर है कि उनका कलर रेड होता है, तो ये इन सेल की खसूसी जो सेल्स हैं इनकी खसूसियत है कि इन्हीं की वजह से जो ब्लड है खून
उसको उसका करेक्टरिस्टिक रेड कलर मिलता है, जो उसका पहचान होती है उसकी। तो उम्मीद है आपको कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो मेरी वीडियो है उसका पार्ट वन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के मुतालिक पता चल सके। आपको मैं इस वीडियो के अगले पार्ट में मिलूंगा।